अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक नो मेकअप मेकअप लुक। आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से इस तरह के लुक से बना सकते हैं इतनी खूबसूरत लुक, वो भी बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ कि नो मेकअप मेकअप लुक का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लोगों ने मेकअप अप्लाई नहीं करना। तो मेकअप हम लोग तकरीबन सारा ही अप्लाई करते हैं, मगर इस तरीके से करते हैं कि वो नो मेकअप का लुक का ऐसा लगे कि हम लोगों ने मेकअप नहीं कर रखा। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और आप लोगों ने कितना मेकअप लगाना है, क्या क्या करना है। तो ये मैं सारा कुछ आप लोग को आज की वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। और एक बात मैं और बता दूँ कि ये मेकअप लुक समर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी में मेकअप तो वैसे भी हम लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाते और दिल भी नहीं करता कि हम लोग मेकअप अप्लाई करें। तो मगर कुछ लड़कियां होती हैं जो मेकअप अप्लाई करना पसंद करती हैं, तो ये लुक उनके लिए होने वाली है। मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ मेकअप कैसे कर सकते हैं। पर जी सबसे पहले मैं करूंगी अपनी स्किन प्रेप। मेकअप से भी जरूरी होता है कि हम अपनी स्किन को अच्छी तरह से प्रेप करें। तो यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने रोज वाटर लगाया अपने फेस पर। अब यहाँ पर मैं अपने लिप्स पर लिप बाम लगा रही हूँ, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। तो यहाँ पर जी एक मॉइस्चराइजर से मेरा काम नहीं बना, फिर मैंने B&B का राइस मॉइस्चराइजर लगाया। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि ये बस ओके ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर मैंने जब ख़रीदा तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद जी मैं यहाँ पर प्राइमर लगा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने स्किन केयर पर अच्छी तवज्जो देनी है तो मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, एक्ने है, तो मैं उनको हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैं अपने पूरे फेस पर थोड़ा थोड़ा करके लगा लूँ। उनका चेहरा क्लीन है तो आप लोग कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जी मैं फाउंडेशन ले रही हूँ ईशा ऑर्गेनिक की। बहुत ही लाइट वेट कवरेज है, मीडियम कवरेज, इतनी खास इसकी कवरेज नहीं है, बहुत ही अच्छी लगती है, फेस पर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। जो इसकी फिनिश है ब्लेंड होने के बाद काफ़ी अच्छी आती है, इस वजह से मुझे ये पसंद है। तो मैं यहाँ पर आज यही फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि मेकअप के स्टेप तकरीबन हम लोग सारे फॉलो करेंगे, मगर कम कम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आजकल मैं इतना ज़्यादा हैवी मेकअप अपने चैनल पर अपलोड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ लाइट वेट सा मेकअप लुक करके आप लोग के लिए अपलोड कर दूँ। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको हैवी मेकअप नहीं पसंद होता, तो वो लाइट मेकअप को पसंद करती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कंसीलर सिर्फ अपने डार्क सर्कल पर लगाया था, और जहाँ पर मुझे थोड़ी सी एक्ने के निशान थे जो कवर नहीं हुए थे वहाँ पर अप्लाई किया। उसके बाद मैं अपने कंसीलर को इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बेस ऑलमोस्ट हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पर आप लोग देख सकते हैं एक्ने, डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन हाइड होने के बाद स्किन कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर ये सब सिर्फ मेकअप से ही मुमकिन है। तो यहाँ पर अब मैं क्रीम ब्लश लगा रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो क्रीम ब्लश स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश लगा सकते हैं। तो क्रीम ब्लश लगाने का मकसद ये है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है क्रीम ब्लश के ऊपर, जब हम लोग पाउडर ब्लश अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। मैंने क्रीम ब्लश को ही आंखों पर भी अप्लाई कर लिया। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मगर मुझे आदत है, मैं अपना तकरीबन सारा मेकअप भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ, बस आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पर जी मैंने क्रीम ब्लश को भी इससे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने अपने आईज़ पर भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दिया। तो यहाँ पर मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी लूज़ पाउडर की हेल्प से। आप लोग भी अगर लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट करेंगे तो मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। मेकअप जो होता है ना, मतलब कमाल, आप लोग को जितना पसीना आए ये नहीं बहता, पसीने की वजह से मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देता। तो यहाँ पर अब मैं जी अपने आईब्रोज़ को भी फिल कर लूँगी, क्योंकि आईब्रोज मुझे लगता है कि जब हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो आईब्रोज थोड़ी लाइट हो जाती हैं, तो उन्हें वापस से इन्हेंस करने के लिए आईब्रोज को फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्कारा लगाया, क्रीम ब्लश को सेट कर लिया था लूज पाउडर कैल्सिस के ऊपर, मैं अब और कुछ भी नहीं लगा रही। अब यहाँ पर आँखों में मैंने सिर्फ काजल अप्लाई किया है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, आप लोग व्हाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं, मगर मुझे काजल बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी आँखों में लगाना। तो यहाँ पर जी मैंने काजल लगा लिया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आँखें कितनी प्यारी लग रही हैं। उसके बाद जी मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया फेस पाउडर की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत कंटूर करूँगी सिर्फ अपने फेस को थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने नोज़ को भी कंट्रोल कर लिया, आप लोग चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, और करना चाहें तो कर लें, बहुत ही प्यारी लुक आती है। उसके बाद जी मैंने ब्लश को या था लिपस्टिक लगाने का सोचा, मगर ये बहुत ही बुरी लग रही थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बाद मैंने एक लिप लाइनर लिया, और यहाँ पर मैं अपने लिप्स को लाइन करूँ, ये न्यूड कलर की लिपस्टिक है। यहाँ पर मैंने बस लिप लाइनर इसलिए लगाया ताकि मेरी लिपस्टिक फैले नहीं। तो जी अब यहाँ पर मैंने एक ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका था, तो लिप्स पर मैंने कहा कि लिपस्टिक थोड़ी डार्क लगाते हैं, तो ये लुक के साथ काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। यहाँ पर
पर जी मैंने अपने लिपस्टिक को मैट भी कर लिया है। पर आप जी मैं ब्लश लगाऊंगी, ब्लश के बाद यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ हाइलाइटर। आप लोग ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, मगर मुझे हाइलाइटर बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मुझे स्किप नहीं हो पाता, तो हाइलाइटर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये रही जी मेरी फाइनल लुक, आई होप कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को आज की ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल थी या नहीं। और यार मैं देखती हूँ आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना तो लाइक करते ना कमेंट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते। यार क्या जाते हैं आप लोग को एक लाइक और कमेंट से।